हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोटो हब में। आज हम बात करने वाले हैं सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट के बारे में, जिसमें कि निसान मैग्नाइट आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन फीचर्स देन प्राइस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कलर ऑप्शन से। तो इसमें आपको ब्राउन, सिल्वर, व्हाइट, ब्लैक, रेड, ब्लू, ये कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड इसमें आपको डुअल टोन कलर का भी ऑप्शन दिया जाता है। अगर वेरिएंट्स की बात कर लें तो इसमें आपको XE, XL, XV एग्जीक्यूटिव, XV और XV प्रीमियम, ये वेरिएंट्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। एंड अभी यहाँ पे XV प्रीमियम वेरिएंट को देख रहे हैं, जो कि इसका सबसे टॉप वेरिएंट है। एंड इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। एंड इस सेगमेंट के हिसाब से इसमें आपको काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एंड इसमें आपको मैनुअल और CVT दोनों ही ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। ये खाली पेट्रोल में आती है, डीजल या और कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं दिया गया। इंजन स्पेक्स की बात कर लें तो इसमें आपको दो इंजन ऑफर किए जाते हैं, 1 लीटर नॉन टर्बो, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। नॉन टर्बो में आपको 72 BHP की पावर और 96 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, वही आपको टर्बो इंजन में 98 BHP और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, और लगभग 18 से 20 तक की आपको माइलेज मिल जाती है पेट्रोल में। एंड ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल आप देख सकते हैं, की बात करें तो ऐसी कुछ स्मार्ट की मिलती है, लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे निशान की ऊपर ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, पीछे आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया गया, दोनों ही की आपको स्मार्ट दी जाती है बिकॉज इसमें कीलेस एंट्री आती है। अब चलिए बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। एक्सटीरियर में सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। तो फ्रंट प्रोफाइल आपको यहाँ पे बोल्ड लुक ऑफर किए जाते हैं फ्रंट से। एंड इसके जो प्रोजेक्टर हेडलाइट्स इसमें दिए गए हैं, जब ये नाइट में जलते हैं तो काफ़ी बढ़िया लुक निकल के आता है। एंड सामने से आप देख सकते हैं काफ़ी आइकॉनिक लुक्स मिल जाते हैं। एंड फ्रंट से बात करें तो आपको यहाँ पे निसान का नया लोगो एंड उसी के नीचे आपको 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट दी गई, बिकॉज XV प्रीमियम वेरिएंट में आपको 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट भी दी जाती है। यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पूरी ग्रे फिनिश में ग्रिल दी गई है, डोमिनेटिंग ग्रिल, एंड जिससे कि फ्रंट लुक जो है काफ़ी बेहतरीन हो जाते हैं निसान मैग्नाइट के। अब ग्रिल के बाद अब बात करते हैं हेडलैम्प यूनिट की। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पे ऑफर किए गए हैं, एंड ये यूनिट भी काफ़ी बढ़िया लगती है इसके देखने में। एंड उसी के अगर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको DRS मिल जाते हैं, जो कि L शेप में है, LED DRS, और नाइट में जब ये इनका थ्रो होता है ना काफ़ी बढ़िया लगता है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं। एंड अगर उसके साइड में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में आपको स्किड प्लेट दी गई है। तो सामने के लुक्स जो है पूरे आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। इधर की बात करें तो यहाँ पे आपको टोइंग हुक का ऑप्शन दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट मिल जाती है, जिससे कि सामने के लुक्स और भी इनहेंस हो जाते हैं। एंड ये ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो उसमें आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है, ख़राब रास्तों में इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाते हैं वॉशर के साथ में, एंड ऊपर आपको रूफ रेल्स, नॉर्मल एंटीना दिया गया है, बोनट एरिया देख सकते हैं आप, काफ़ी क्रीजेस देखने को मिल जाएंगी बोनट एरिया पे। फ्रंट के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल में आप यहाँ पे आपको 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए गए हैं, एंड ये काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं देखने में, इनका डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको निसान की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। एंड सस्पेंशन के ट्रेवल की बात की जाए तो इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको ऐसे कुछ डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए, निसान की ब्रांडिंग मिल जाती है। टायर सेक्शन की बात करें तो 195/60R16 का आपको पूरा टायर सेक्शन यहाँ पे दिया गया है। तो व्हील प्रोफाइल भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, व्हील्स के ऊपर आपको देख सकते हैं क्लैडिंग भी दी गई है, जिससे कि गाड़ी जो है साइड से काफ़ी स्पोर्टी लगती है देखने में और सेफ भी रहती है स्क्रैचेस वगैरह से। एंड फेंडर पे आपको यहाँ पे निसान मैग्नाइट की बैजिंग दी गई है। एंड अब बात करें ORVMs की, तो ऐसे कुछ आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ORVMs यहाँ पे दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी आपको इसमें मिल जाती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs आपको मिलते हैं। इसके नीचे आपको 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट भी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी पियानो ब्लैक फिनिश में इसका जो कॉम्बिनेशन है बॉडी कलर के साथ काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। एंड गाड़ी के लेंथ की बात कर लें तो 3.9 मीटर लेंथ है, विड्थ की बात करें तो 1.7 मीटर है, और हाइट की बात करें तो 1.5 मीटर हाइट मिल जाती है आपको। तो स्पेस भी आपको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको नीचे भी क्लैडिंग दी गई है सिल्वर फिनिश के साथ में, जिससे कि और भी बढ़िया लगती है देखने में। व्हील बेस की बात की जाए तो 2500 mm का मिलता है। यहाँ पे आपको ए पिलर जो दिया गया वो पूरा ब्लैक फिनिश में मिलता है। एंड बी पिलर की बात करें तो बी पिलर भी आपको यहाँ पे ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, कीलेस एंट्री दी गई है। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल पे, और रियर प्रोफाइल देखते हैं तो पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, एंड पीछे भी आप देख सकते हैं पूरे में क्लैडिंग आपको मिल जाती है देखने को। ऐसा कुछ यहाँ पे फ्यूल दिया गया। कैपेसिटी की बात में तो 40 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है निसान मैग्नाइट में।
यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाते हैं और रियर प्रोफाइल की बात की जाए तो आगे की तरह आपको पीछे भी काफी बोल्ड लुक यहाँ पे ऑफर किए गए, मस्कुलर लुक्स आपको मिल जाते हैं पीछे से भी। नीचे आपको सिल्वर स्किट प्लेट मिल जाती है। टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ टेल लैंप्स यहाँ पे ऑफर किए गए, इनका डिज़ाइन और साइज भी काफ़ी बढ़िया रखा गया है और सेगमेंट और गाड़ी के साइज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लगते हैं देखने में। एंड अब ओवरऑल ऊपर की बात करें तो ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बीच में जो है पावर एंटीना दिया गया है, साइड में आपको रूफ रेस मिल जाती है, यहाँ पे आपको पावर एंटीना रूफ रेस मिल जाती है, कोई शार्क फिन एंटीना आपको ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैंप, यहाँ पे आपको देख सकते हैं पीछे डिफॉगर दिया गया है, वाइपर दिया गया है एंड निशान का नया लोगो, उसी के नीचे आपको मैग्नेट की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। एंड नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे सिल्वर फिनिश में स्किड प्लेट दी गई है, रिफ्लेक्टर्स, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं निशान मैग्नेट में। एंड अभी आप ये प्रॉपर साइड लुक्स देख रहे हैं, 205 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। तो ये थे ओवरऑल बैक लुक्स। चलिए अब गाड़ी का बूट खोलते हैं और आपको बूट स्पेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक बटन दिया गया है, तो ऐसा कुछ आपको पूरा स्पेस और पूरा पीछे का बूट एरिया मिल जाता है। एंड गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो उसमें आपको 336 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, तो काफ़ी बढ़िया आपको बूट स्पेस यहाँ पे ऑफर किया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको लोडिंग लिफ्ट देखने को मिल जाएगा जिससे कि लगेज रखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे आपको यहाँ पे स्पेयर व्हील दिया गया है जो कि 15 इंच का है। एंड बूट में आपको बूट लैंप मिल जाता है, यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं, इधर भी आपको हुक्स मिल जाते हैं। एंड ऊपर आपको पार्सल ट्रे दी गई है जिसको आप हटा भी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा स्पेस की नीड है, और इन लीवर के थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं। सीट फोल्ड होने के बाद 690 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है, इसमें आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। पीछे से आप पूरा डैशबोर्ड इंटीरियर को देख सकते हैं, ऐसा कुछ व्यू दिखता है। चलिए बूट करते हैं बंद और चलते हैं पीछे की सीट्स पे और पूरा स्पेस चेक करते हैं। तो क्रोम डोर हैंडल्स दिए गए हैं यहाँ पे आपको। एंड डोर पैनल की बात करें तो टॉप वेरिएंट में आपको यहाँ पे पूरा ब्लैक फिनिश में डोर पैनल दिया जाता है, अगर आप इससे नीचे के वेरिएंट्स में जाएंगे तो उसमें आपको ड्यूअल टोन कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स, ऊपर लॉक अनलॉक का बटन, यहाँ पे आपको पावर डोर कंट्रोल्स, यहाँ पे फैब्रिक टच आपको यहाँ पे दिया गया है, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट आपको मिल जाती है। तो ऐसा कुछ आपको पूरा डोर पैनल मिलता है टॉप वेरिएंट में। एंड रियर स्पेस और कैबिन की बात करें तो ऐसा कुछ पूरा सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे दिया गया है, दो हेडरेस्ट दिए गए जो कि एडजस्टेबल हैं, और इसका जो इंटीरियर है फुल ब्लैक मिलता है आपको जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है देखने में। लेग रूम की बात करें तो लेग रूम आप देख सकते हैं बैठने के बाद इतना कुछ स्पेस बच जाता है, मेरी हाइट 5'8" है, उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कितना का स्पेस मिल जाएगा। आगे की सीट जो है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट है। यहाँ पे रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको टॉप वेरिएंट में, उसी के नीचे आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है यहाँ पे। इससे नीचे के वेरिएंट में आपको कोई एसी वेंट्स यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते हैं, दो हेडरेस दिए गए जो कि एडजस्टेबल हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है बट ये कवर हो रखा है इसलिए ओपन नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं रियर पैसेंजर्स के लिए, यहाँ पे छोटा सा ग्लास एरिया आप देख सकते हैं, पीछे पार्सल ट्रे दी गई है जिसमें कि आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं, ऊपर आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाती हैं। एंड फ्रंट डैशबोर्ड की बात करें तो ऐसा कुछ आपको फुल ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड यहाँ पे दिया गया है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रहा है देखने में। एंड काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर्स आपको मिल जाते हैं, 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, स्टीयरिंग में सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए, क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। अब चलते हैं आगे की सीट्स पे और सारे फीचर्स कवर करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिल जाती है, रिक्वेस्ट सेंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। एंड डोर पैनल की बात करें तो ऐसा कुछ आपको फुल ब्लैक फिनिश में डोर पैनल आपको मिलता है, फैब्रिक टच भी देखने को मिल जाएगा आपको डोर पैनल पे। सिल्वर फिनिश में आपको डोर हैंडल्स यहाँ पे दिए गए हैं, पावर डोर कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको एडजस्ट करने के, ORVM को फोल्ड करने के सारे कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाते हैं, फैब्रिक टच यहाँ पे दिया गया है, ऊपर आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, नीचे स्पीकर की आपको प्लेसमेंट दी गई, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट्स आपको मिल जाती हैं,
फ्रंट कैबिन की बात करें तो ऐसा कुछ आपको पूरा सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। फैब्रिक अपॉस्टी आपको मिल जाती है निसान मैग्नाइट के XP प्रीमियम वेरिएंट में। फ्रंट डैशबोर्ड जो कि ब्लैक फिनिश में काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको फैब्रिक अपॉस्टी दी गई, यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं। सीट्स को नीचे फील्ड ओपनर दिया गया है। ABC पेडल्स, मैनुअल पेडल्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप का बटन, यहाँ पे हेडलाइट लेवलर, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश, ऐसा कुछ टेक्सचर मिल जाता है आपको ब्लैक फिनिश में। AC के इवेंट्स जो कि लैम्बोर्गिनी शेप में दिए गए हैं यहाँ पे। अब अंदर बैठते हैं, अंदर से सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो अभी आप ये निसान मैग्नाइट XV प्रीमियम वेरिएंट का पूरा डैशबोर्ड इंटीरियर देख रहे हैं जो कि बेहद प्रीमियम लग रहा है देखने में। गाड़ी को ऑन करते हैं, दिखाते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, इसको ऑन करते हैं। ऐसा कुछ फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पे ऑफर किया गया, आपको एनिमेशन भी इसमें देखने को मिल जाएगा। स्पीडोमीटर आपको बीच में मिल जाता है, RPM मीटर दिया गया है, एंड MID में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सारी चेकलाइट्स दी गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। 7 इंच की आपको टच, 7 इंच का आपको यहाँ पे TFT दिया गया जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एंड इस कंट्रोल के थ्रू आप अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्यूल इकोनॉमी, एंड यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ट्रिप ए, ट्रिप बी, माइलेज, रेंज सब यहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटर का सिस्टम यहाँ पे दिया गया है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग की, तो ऐसा कुछ आपको लेदर एप्ड स्टेयरिंग यहाँ पे मिलता है। एंड इन्फोटेनमेंट से रिलेटेड सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए गए, निशान की ब्रांडिंग मिल जाती है। इधर आपको क्रूज कंट्रोल और MID से रिलेटेड सारे कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। सिल्वर फिनिश यहाँ पे दी गई है। एंड इस लीवर के थ्रू आप अपनी स्टेयरिंग को टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है। एंड ग्रिप भी काफ़ी बढ़िया मिल जाती है आपको निसान मैग्नाइट के स्टेयरिंग में। यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड इधर आपको हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं। स्टेयरिंग के बाद अब बात करते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो ऊपर आप देख सकते हैं आपको AC के इवेंट्स दिए गए जो कि लंबोर्गिनी शेप में आपको मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेहद प्रीमियम लगते हैं देखने में। एंड यहाँ पे आपको 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सबको सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ, ऑक्स, सारी कनेक्टिविटी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलता है निसान मैग्नाइट में। टच परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बढ़िया यहाँ पे दी गई है। एंड इसमें आपको 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट भी मिल जाती है जिससे कि पार्किंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहाँ पे हेजालाइट का बटन दिया गया है, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है आपको, यहाँ पे आपको डिफॉगर। एंड उसी के नीचे बात की जाए तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। निसान मैग्नाइट के XL वेरियंट से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलने लगता है। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस दी गई है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन उसके नीचे मिल जाता है आपको। एंड उसके नीचे बात की जाए तो यहाँ पे आपको 12V का चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे भी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। एंड अभी यहाँ पे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, CVT का भी ऑप्शन है। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे देखने को, मैनुअल हैंडब्रेक जिसमें लेदर रैप्ड आपको मैनुअल हैंडब्रेक मिलती है, 2 कप होल्डर, यहाँ पे आर्म्स दिया गया जो कि ओपन नहीं होता है। और नीचे की बात करें, यहाँ ग्लव बॉक्स की बात करें तो इतना कुछ स्पेस आपको मिल जाता है ग्लव बॉक्स में, काफ़ी डीप ग्लव बॉक्स आपको मिलता है निसान मैग्नाइट में। लाइट्स भी मिल जाती हैं उसके अंदर आपको, जिससे कि नाइट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसा कुछ यहाँ पर टेक्सचर दिया गया है ब्लैक फिनिश में, इसका इंटीरियर पूरा ब्लैक फिनिश में दिया गया। अगर आप इसे बेस वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पर डुअल टोन कलर आपको मिल जाता है। ऊपर आपको वैनिटी मिरर दिया गया कवर के साथ में, एंड इधर भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसमेंट दी गई है, यहाँ पे आपको लाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको सेंसर की प्लेसमेंट मिल जाती है, मैनुअल डे नाइट IRVM। एंड विजिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी बढ़िया विजिबिलिटी मिलती है, बम्पर टू बम्पर कार को ड्राइव कर सकते हैं आप, अंदर से पूरा बोनट आपको विजिबल होता है। तो ये था निसान मैग्नाइट का पूरा डैशबोर्ड इंटीरियर। चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS BDBD, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, सीट बेल्ट वार्निंग, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट माउंट्स,
इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, 360 व्यू कैमरे की प्लेसमेंट एंड इसमें आपको दो एयरबैग्स मिल जाते हैं। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 5,76,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और जिसका टॉप वेरिएंट है 10,15,000 एक्स शोरूम तक जाता है। एंड अभी यहाँ पे XV प्रीमियम वेरिएंट को देख रहे हैं, अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो 7,94,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड लखनऊ की बात करें तो 8,92,000 का ऑन रोड लखनऊ पड़ जाता है। अगर आप इसका डुअल टोन वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको लगभग 15,000 से 20,000 रुपये और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड आप इसका अगर टर्बो इंजन लेते हैं तो उसमें और भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। तो ये था निसान मैग्नाइट का ओवरऑल वीडियो, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू ड्रीम निसान आलमबाग लखनऊ जिन्होंने मुझे इसे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी निसान कार्स, विजिट दिस शोरूम, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि आपके लिए कार्स रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आज इस मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।